प्रसिद्ध शक्ति पीठ श्री चिंतपूर्णी में श्रवण अष्टमी मेले का आयोजन मानक संचालन प्रक्रिया के तहत तथा कोविड-19 के नियमों के पालन करते हुए 9 से 16 अगस्त तक किया जाएगा। मेले के सफल आयोजन को लेकर मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में चिंतपूर्णी सदन के सभागार में एक बैठक आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तथा अभी भी महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि श्रवण अष्टमी नवरात्र मेले के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने कोविड SOP जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान भजन कीर्तन, सत्संग, भागवत और अन्य धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को चलते हुए ही दर्शन करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को धर्मशाला में केवल 50% क्षमता के साथ ठहरने की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची लेने के साथ साथ कोविड-19 स्क्रीनिंग भी करवानी होगी। भीड़ के दृष्टिगत चिंतपूर्णी क्षेत्र में स्थायी दुकानें नहीं खोली जाएंगी तथा केवल सूखा प्रसाद ही चढ़ाया जाएगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में बैठने, खड़े होने और इंतजार करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में झंडा ले जाने की अनुमति नहीं है, केवल मंदिर अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थान पर ही झंडा चढ़ाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को गेट 1 और 2 के माध्यम से निर्धारित सामाजिक दूरी अपनाते हुए भेजा जाएगा। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को मूर्तियां, घंटियां इत्यादि को छूने पर मनाही होगी। साथ ही BMO द्वारा आइसोलेशन कक्ष भी बनाया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय नियमित अंतराल पर सैनिटाइज किए जाएंगे और निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए निशान भी बनाए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को 10 सेक्टरों में बांटा गया है। लगभग 1,000 पुलिस और होमगार्ड के जवान सहित त्वरित कार्यबल की टीमें यहां तैनात रहेंगी तथा कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस का एक कमांडो दस्ता आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान डॉग स्क्वाड का भी प्रबंध किया गया है। चिंतपूर्णी के दरबार में सावन अष्टमी के जो मेला शुरू होने जा रहा है उसके सभी प्रबंधों के लिए आज बैठक सभी विभागों से की गई है। उसमें एक विस्तृत SOP भी जो है वो मेले के आयोजन के लिए आज जारी किया गया है। कोविड को देखते हुए कुछ प्रतिबंध जैसे लंगर भंडारों पे हमने प्रतिबंध अभी लगाया हुआ है क्योंकि वहाँ मास्क से संबंधित अनुपालना बहुत कठिन हो जाती है। उसके अलावा मंदिर में दर्शन के लिए कपाट जो है वो लगभग 24 घंटे खुले रहेंगे। जितनी भी व्यवस्थाएं सफाई के लिए जो यात्री आते हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, पीने के पानी के प्रबंध की व्यवस्था वो की गई है। यहाँ पे जो धर्मशाला है उसमें भी यात्री रुक सकेंगे और 50% कैपेसिटी में उनको परमिशन दी गई है और लोग भोजन भी वहाँ प्राप्त कर सकेंगे। केवल पब्लिक लंगर और भंडारों पर हमने प्रतिबंध रखा है। उसके अलावा पुलिस के प्रबंध और यातायात के और ट्रैफिक के पूरे प्रबंध जो आशापुरी बैरियर का ग्रेट से लेके मरवाड़ी से लेके यहाँ तक मुबारकपुर और चिंतपूर्णी तक जो है उसके लिए किए गए हैं। एडिशनल बसेस जो है यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई जाएंगी और जितने भी प्रबंध हर साल मेले में यात्रियों के लिए होते हैं वो यहाँ पे पूरे किए जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन दर्शन पर्ची जो है वो 3 स्थानों पे ADP सदन में, MRC पार्किंग पे और शंभू बैरियर पे लोग प्राप्त कर सकेंगे। मंदिर की टाइमिंग रात को 11 से 12 बजे जो है वो बंद किया जाएगा। उसके अलावा पूरे पूरे टाइम जो है मंदिर जो है वो खुला रहेगा। जो कैबिनेट की बैठक है उसमें अभी जो निर्णय आने हैं जब आएंगे तो उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल होगा उससे सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा और उसके अनुरूप ही फिर जो है मेले को बंद। हिमाचल सरकार ने एडवाइजरी के रूप में जारी किया है कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके यात्री या तो हिमाचल आए या 1 या 2 डोज वैक्सीनेशन की लेके आए। अभी एक एडवाइजरी के रूप में है जिसका अर्थ ये है कि कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए कभी भी ये एक मैंडेटरी नियम के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए जो लोग यात्रा अपनी आरंभ कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अगले दिनों में वो इन नियमों की अनुपालना करके ऐसी रिपोर्ट्स अपने साथ लेके चलें तो उनके लिए यात्रा ज़्यादा सुगम होगी और आवाजाही में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।